हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बताने जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा फैक्टराइज करने में, जो सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा उसको फैक्टराइज करने में। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो हम दो आइडेंटिटीज लिखे हैं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको प्रूव करके बताते हैं, लिखे हैं प्रूव दैट। ये कैसे प्रूव होता है देखिए, बहुत ही सिंपल प्रूव है, बस आपको वीडियोज को देखना है स्टार्ट से लास्ट तक। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है और सबसे ज्यादा सिंपल आपको ये जो इसका जो प्रूव है, प्रूफ बहुत ही सिंपल है। देखिए तो चलिए अभी हम पहले आपको फर्स्ट को प्रूव करके दिखा देते हैं, अगर फर्स्ट हो जाएगा तो सेकेंड वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा हम पिछले वीडियो में सब चीज बता दिए थे, ये तो आप जानते होइएगा। ये लिखेंगे हम लोग कि वी नो दैट क्या होगा, वी नो दैट ए प्लस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देखिए ए प्लस बी टू द होल क्यूब का दो फॉर्मूला होता है, एक तो ब्रैकेट को रिमूव करके मल्टीप्लाई किया हुआ, तो इसी फॉर्मूला को लिखना है। ठीक है, ये आप जानते हैं ना, और ये कैसे होता है, ये मल्टीप्लाई करके होगा, ए प्लस बी को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो इतना आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अब आपको प्रूव क्या करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू समथिंग, तो मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू को आप आर एच एस में रहने दीजिए, ये जो है ना ए क्यू प्लस बी क्यू को आर एच एस में रहने दीजिए, बाद में जो है इसको एल लगा लेता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी टू द होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये नहीं जो आप इसमें भी माइनस कर दीजिएगा प्लस के अंदर, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो एक ही टर्म्स में है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, जब यहाँ पे एक ही साथ यहाँ माइनस लग गया तो बात हो गया, सब में लग गया। ठीक है, तो ये पूरा उठा करके इधर ला लिया एलएचएस में, तो माइनस हो गया, इधर बच गया आपको ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए अब इसको ऐसे ही लिखते चलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको सिंप्लीफाई करके हम इतना ला लेते हैं, किसको, इसको ला लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये एक टर्म्स है और ये एक टर्म्स है, दोनों में ए प्लस बी दिख रहा है ना, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, तो चलिए टेक कॉमन ए प्लस बी, ए प्लस बी को अगर कॉमन ले लिया तो इस वाला में ए प्लस बी टू द होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, उसमें से अगर ए को ए प्लस बी निकाल दिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, फिर माइनस ये क्या हो गया, माइनस थ्री ए बी बच गया, क्या बचा, माइनस थ्री ए बी, ए प्लस बी तो कॉमन में था तो निकल गया। ठीक है, क्लियर है, अब देखिए ये हो गया आपको ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। ठीक, अब देखिए अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, ये ए प्लस बी को ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको ए प्लस बी ये वाला मिल रहा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब चलिए बिग ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फिर माइनस थ्री ए बी, अब ब्रैकेट क्लोज, ओके इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए माइनस थ्री ए बी और प्लस टू ए बी, तो माइनस वाला ज्यादा है, घटाने के बाद क्या बचेगा आपको, माइनस में ए बी बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आया कि नहीं आया, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ माइनस ए बी को बीच में डाला गया, तो खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीका से आप यहाँ पे हम ए प्लस बी लिए थे, सो हाँ वी नो दैट में ए प्लस बी क्यू, क्योंकि हमको ए क्यू प्लस बी क्यू वाला प्रूव करना था, अगर इसको प्रूव करेंगे तो यहाँ पे वी नो दैट करके ए माइनस बी टू तो होल क्यूब करेंगे, आप करके देखिएगा, अगर आपसे हो जाता तो ठीक है, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके होता है या नहीं होता। ठीक, देखिए आपको दोनों को हम याद करके थोड़ा सा टेक्निक बता देते कैसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ए क्यू प्लस बी क्यू याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी कर लीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी कर लेना। ठीक है, अब देखिए बाद में कि ये ब्रैकेट के अंदर भी इधर भी सब सेम है, यहाँ अगर प्लस आ गया, यहाँ प्लस आया तो यहाँ पे ए बी वाला क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ए बी वाला प्लस में हो जाएगा, बाद में कि स्क्वायर वाला टर्म्स दोनों में प्लस में है। ठीक है, तो होप कि आपको ये आइडेंटिटीज प्रूफ जो है इसका प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।